राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते, ऐसे ही राग करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा सैया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से ओम साई राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, नानी बायरो मायरा, जी हाँ, नरसी का भात। नरसी के भात में हमने अभी पीछे देखा कि वो जो चार थे, जो ये चाहते थे कि पूरे गांव में नरसी की बेइज्जती हो, उन चारों ने उन दोनों सेठों को ये कह के भेज दिया कि नरसी जूनागढ़ का बहुत बड़ा सेठ है, लेकिन वो सेठ जैसा नहीं लगता, जाओ जाओ और उनके पांव पकड़ लेना। उन दोनों सेठों ने भी वही किया। जैसे ही नरसी जी बाहर आए और आते ही तुरंत उनके पांव पकड़ लिए। बोले, नरसी जी, बोले, मैं ही हूं नरसी। बोलिए, बोले, नरसी सेठ। बोले, मैं सेठ नहीं हूं, नरसी हूं पर नरसी सेठ नहीं हूं महाराज। अब वो कितना अपने आप में सुन के शर्मिंदा से हो रहे थे कि नरसी हूं पर सेठ नहीं, क्या काम है? बोले, हम अच्छे से जानते हैं कि आप नरसी भी हो और बहुत बड़े सेठ भी हो, पर मानते नहीं हो कि आप सेठ हो। बोले, हाँ, बोलिए। बोले कि हमने क्या बोलना, हमें द्वारका जाना है, द्वारकाधीश के दर्शन करके आना है, हमारा छोटा सा काम कर दो, हमारी हुंडी लिख दो। बोले, हुंडी? मैं कैसे हुंडी लिख सकता हूं, मैं नहीं हुंडी लिखूंगा। बोले, भाई क्यों नहीं लिखोगे, इतना बड़ा सेठ क्या 700 रुपए की हुंडी नहीं लिख सकते? आप लोग जानते हैं हुंडी क्या होती है? हुंडी होती है 700 रुपए नगद लेकर के एक पर्चे पे पेपर पे ये लिख देना कि मैं इन दोनों से 700 रुपए नगद ले रहा हूं, तुम इन्हें वहां जाते ही 700 रुपए दे देना। क्योंकि पहले 700 रुपए, आज के समय में तो 700 रुपए एक दिन का भी कम पड़ता है, और पहले 700 का मतलब 7 लाख, बहुत बड़ी रकम हो जाती है 700 रुपए उस समय। उस समय 10 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी, ये उस समय की बात है। अब तो नरसी जी कहे, महाराज 700 रुपए लेके मैं हुंडी लिख दूं, मैं द्वारका में किसी को नहीं जानता। बोले, नरसी जी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि हम रास्ते में जाएंगे, चोर उचक्के हमारे इस धन को छीन लेंगे, हम ईश्वर के काम से जा रहे हैं, क्या आप हमारी इतनी भी मदद नहीं करोगे? अब जब ईश्वर का नाम आया तो नरसी जी ने सांवला सा सेठ की मर्जी समझ के वो 700 रुपए ले लिए, और 700 रुपए लेने के पश्चात अपने मंदिर में जाके 700 रुपए रखते हुए कहा कि हे सांवला सा सेठ, मैं हुंडी आप ही के नाम से लिखूंगा, अब आप जानो मेरी लाज कैसे रखोगे। वो पर्चे पे लिख देते हैं कि सांवला सा सेठ, मैं 700 रुपए प्राप्त कर रहा हूं, आप इन्हें दे दीजिए, ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ऐसी करके वो 700 रुपए ले लेते हैं और हुंडी उनको दे देते हैं। वो दोनों सेठ 700 रुपए की हुंडी लेके निकल जाते हैं। अब ये सारा नजारा वो चारों देख रहे हैं, क्योंकि वो चारों उन दोनों सेठों के पीछे 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 आए थे। कहते, देखा अपने आप को बड़ा
विद्वान पंडित कहता है, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन कितना बड़ा चोर है ये, देखो तो सही, ऐसे कौन करता है? महाराज, नरसिंह जी ने सांवला सा सेठ के नाम से हुंडी लिखी थी और हुंडी लेके वो चले जाते हैं। अगले दिन भोजन का प्रबंध हो चुका। नरसिंह जी कहते हैं सांवला सा सेठ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, यही मर्जी है, तो मुझे मंजूर है। अब वो भोजन का पूरा इंतजाम कर चुके। जी हाँ, आगे देखते हैं। अगले दिन नरसिंह जी जब भोज करेंगे तो भोज में क्या 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 त्रुटियां निकलेंगी, क्या क्या होगा, मैं दर्शना शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ अगले प्रसंग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम।